हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस केस स्टडी ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे. दिस वाज लॉन्ग बैक 1875 केस स्टडी. एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने इस केस स्टडी को एज अ लिंक दिखाया है विद द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ये आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि ऐसे मैंने क्यों किया है. तो एज वी ऑल नो दैट एवरी कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो ऐसे ही इस कंपनी का भी MOA था. एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होता है कि ये इस कंपनी ने क्या क्या काम करने हैं आने वाले अपने टाइम में, इसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. तो इस कंपनी के MOA में क्या लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट क्लोज में, दैट इस कंपनी का काम है टू मेक, हायर, सेल रेलवे कैरेजेस, वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब ये कंपनी बनाएगी, किराए पर देगी, बेचेगी रेलवे कैरेजेस को, वैगन्स को, जो डब्बे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे. अभी मैं स्टार डाल रही हूँ क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगी. तो इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था ना वो ये था. अभी क्या होता है, जो ये कंपनी है एशबरी कंपनी, दिस कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दैट दिस कंपनी विल फाइनेंस रिचे फॉर लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स एट द बेल्जियम. बेल्जियम में रिचे ने रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्शन करवानी थी और कंपनी ने बोला कि हम तेरे को फाइनेंस करेंगे. फाइनेंस की बात बोली. एंड जो हमने ऊपर पढ़ा है कि इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में ये बात तो कहीं पर भी नहीं है दैट ये कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है. तो ये बात तो कहीं पर भी नहीं है. अभी क्या हुआ, आफ्टर सम डेज एशबरी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट किया इस कंपनी पर कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एंटर की गई है रिचे के साथ, दैट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द MOA, दैट इज़ नल एंड वॉइड. हमें पता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द MOA होता है, जो कि MOA में लिखा ही नहीं हुआ कि कंपनी ने क्या काम करना है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, कंपनी ने भी रिचे को बोल दिया दैट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ना वो नल एंड वॉइड है. रिचे को बोल दिया. अभी क्या हुआ कि जो रिचे था वो रिचे कंटेंड भी कर सकता है, क्लेम कर सकता है एशबरी कंपनी को. उसने कर दिया, रिचे कंटेंडेड टू द एशबरी कंपनी कि हो सकता है ना जो तेरे MOA में अदर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है दैट इंक्लूड्स फाइनेंसिंग, उसमें फाइनेंसिंग आ सकता है जो तूने पीछे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है MOA में ये वाला, इसमें जो है हम फाइनेंसिंग को इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये केस जो है चला गया कोर्ट के पास. अभी कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट कहता है दैट हियर अप्लाइज द रूल ऑफ द इजस्टम जेनरिस. इजस्टम जेनरिस, अभी ये रूल क्या है, इजस्टम जेनरिस जो है ना, इट इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये एक इंटरप्रिटेशन का रूल है. क्या मतलब है इसका, इजस्टम जेनरिस बोलता है दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड एंड दैट जनरल वर्ड जो है दैट कांट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड सो दैट जनरल वर्ड कैन टेक इट्स मीनिंग ओनली फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड इट विल बिलोंग टू द पर्टिकुलर क्लास टू विच दैट स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग टू. अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ आपको. ये बोला गया है इजस्टम जेनरिस के रूल में दैट अगर कोई जनरल वर्ड, जनरल वर्ड इसमें क्या है, जनरल वर्ड है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. जो ये अदर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना हमारे पास, दिस इज द जनरल वर्ड एंड इनको स्पेसिफिक वर्ड्स बोला गया. तो कहते कि अगर हमारे लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी जनरल वर्ड गिवन है स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद, तो जो वो जनरल वर्ड होगा ना वो अपना मीनिंग ना इन स्पेसिफिक वर्ड्स से ही लेगा.
तो यही बोला गया कि अगर रिचे बोल रहा है कि अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम फाइनेंसिंग को शामिल कर सकते हैं तो वो गलत है। हम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग जो है ना उसके प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड से लेंगे, दैट इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने पहले ही बताया दैट इट विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन। सो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में ही कंस्ट्रक्शन ही आएगा, फाइनेंसिंग इंक्लूड हम नहीं कर सकते। तो इस रूल में क्या हुआ, इस रूल में ये कोर्ट ने बोल दिया दैट हेयर अप्लाइज द रूल ऑफ द इचेस एंड जेनरेस। तो कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना नल एंड वॉइड है। तो अभी रिचे जो है वो क्या कहता है, वो बोलता है कि अगर एशबरी कंपनी को पता था दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वाई कंपनी एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद मी, रिचे ने बोला। तो रिचे कहता है कि मेरे को कॉम्पेंसेशन चाहिए, या वो स्यू करता है, ठीक है ना, वो स्यू भी कर देता है और वो कॉम्पेंसेशन भी मांगता है। बट इस केस में भी ही विल नॉट गेट एनीथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी इसका क्या कारण है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका कारण है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कोर्ट बोलता है दैट हियर अप्लाइज द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रीन क्या होता है, डॉक्ट्रीन होता है रूल, डॉक्ट्रीन होता है प्रिंसिपल। तो कोर्ट बोलता है दैट हियर अप्लाइज द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज दिस, एज पर दिस डॉक्ट्रीन एनी आउटसाइडर बिफोर डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नॉट ओनली रेड देम, अंडरस्टूड देम, नॉट ओनली अंडरस्टूड देम प्रॉपरली। ये डॉक्ट्रिन बोलता है दैट जब भी कोई आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ डील करना चाहता है तो ये माना जाएगा दैट वो कंपनी के टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज MOA एंड AOA इनको रीड कर चुका है, उसको पता चल गया है कंपनी के बारे में, एंड उसने ना केवल पढ़ा है समझा है, एंड ना केवल समझा है अच्छे से समझा है, राइट। तो ये वाला डॉक्ट्रिन इस केस में अप्लाई हो जाता है। तो रिचे पर भी ये डॉक्ट्रीन अप्लाई हो जाता है, इसलिए रिचे को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। सो जो ये डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर। दैट इज वाई दिस डॉक्ट्रीन इज नोन एज द नेगेटिव डॉक्ट्रीन, इसी के कारण इसको नेगेटिव डॉक्ट्रीन बोला जाता है। अभी ना इस डॉक्ट्रीन की एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ द इनडोर मैनेजमेंट, उसको हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो ये हो जाता है, रिचे को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, रिचे स्यू भी नहीं कर सकता बिकॉज उस पर डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग गया, ठीक है ना। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि कोई भी आउटसाइडर बिफोर डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव रेड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज MOA एंड AOA, ठीक है ना, पढ़ेगा भी समझेगा भी और अच्छे से समझेगा, ये बोलता है। तो इस उसके ऊपर जो है ये अप्लाई हो गया, उसको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। और पहले अगर उसने बोला कि अदर कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंसिंग इंक्लूड करो तो वो भी नहीं कर सकते बिकॉज कोर्ट ने इचेस एंड जेनरेस का रूल अप्लाई कर दिया, जो बोलता है कि जो जनरल वर्ड है दैट विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक सेक्शंस, तो हम वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जो ये है, ये केस मैंने खुद से बनाया, मतलब ये इस केस में इंक्लूड नहीं था लॉ के केस में, ये मैंने केस ऐसी है कि एक एग्जाम्पल है सर्च करके। ये केस क्या बोलता है कि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो कंपनी है अभी रिचे को अगर बोले इन केस, है ना, कि अभी यार कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, तूने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था, रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करना था एट दी बेल्जियम, तो अगर कंपनी फाइनेंस का काम नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द MOA, कंपनी कंस्ट्रक्शन तो कर सकती है कंपनी कंस्ट्रक्शन, तो कंपनी रिचे को बोल सकती है कि तू मेरे को हैंड ओवर कर दे बेल्जियम वाला अपना कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू कमीशन, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा इन रिटर्न में। तो ऐसे केस हो सकता है, ठीक है। ये फिर से मैं बोल रही हूँ, ये केस जो है इस केस लॉ में इंक्लूड नहीं है, ये जो केस लॉ है ना जस्ट यहाँ तक ही ख़त्म है, ये वाला केस लॉ, ये वाला नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए।
तो अभी ये भी हो सकता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर किया है तो दिस विल ऑल्सो हैपन दैट कंपनी स्टिल नॉट एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ड्यू टू एनी रीजन, इधर ड्यू टू मनी शॉर्टेज, इधर ड्यू टू लेबर अनरेस्ट, लॉकआउट्स एक्सेट्रा. तो अभी रिचे बोलेगा कंपनी को, वाई तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से क्यों नहीं अभी किया, अभी क्या दिक्कत आ गई. ठीक है, तो अभी ना कंपनी कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकती रिचे के ऊपर. क्यों नहीं कर सकती रिचे के ऊपर कोई भी वो एक्सक्यूज के हाँ मैं कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा. अगर रिचे यहाँ पर कॉम्पेंसेशन डिमांड करेगा ना तो रिचे को कॉम्पेंसेशन मिलेगा कंपनी से, रिचे को कॉम्पेंसेशन मिलेगा बिकॉज हेयर अप्लाइज डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज आई ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. नाउ व्हाट इट सेज, दिस डॉक्ट्रीन सेज दैट कोई भी अगर आउटसाइडर है उसको जस्ट टू डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ने होते हैं जो हमने पढ़ा डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, MOA एंड AOA. ठीक है, कि उसको पता चल जाए कि MOA से कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट क्लोज है, कंपनी कुछ अपने ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर तो नहीं कर रहा क्योंकि वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ ला है, उसके इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चल जाएगा. आउटसाइडर इज ओनली रिक्वायर्ड टू डू दिस, नॉट एनीथिंग एल्स. सो एज फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी आर कंसर्नड, एन आउटसाइडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम आउटसाइड द कंपनी, सॉरी टू कम इनसाइड द कंपनी एंड चेक वेदर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी आर गोइंग ऑलराइट और नॉट. ये आउटसाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दैट वो कंपनी में आएगा, कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स को चेक करेगा कि सब कुछ जो है सही चल रहा है या नहीं. जो आउटसाइडर है उसने सिर्फ MOA पढ़ना है, उसने सिर्फ AOA पढ़ना है. तो जो अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी हो रही है, लेबर अनरेस्ट है, मनी शॉर्टेज है, उसके बारे में तो कंपनी का खुद का बनता है ना कि वो बताए कि क्या गड़बड़ आ रही है क्या नहीं. तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर. दैट इज वाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, दैट इज वाई दिस इज नोन एज दी पॉजिटिव डॉक्ट्रिन. इसको पॉजिटिव डॉक्ट्रिन बोला जाता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर. सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो गया हमारा. सो वही बोला, अगर रिचे कंपनी से डिमांड करता है कॉम्पेंसेशन तो येस उसको मिलेगी बिकॉज हेयर अप्लाइज द रूल ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट. एंड इसी के साथ अगर एक लेटिन मैक्सिमा भी है, एक लेटिन सेइंग भी है, दैट ओमनिया प्रिसुमुंटर रिट एसे, जिसका मतलब होता है ऑल इज वेल. कि आउटसाइडर ये सोचकर चलेगा, आउटसाइडर की ये प्रिजम्पशन होगी एट द टाइम ऑफ द डीलिंग विद द कंपनी एंड वाइल डीलिंग विद द कंपनी दैट ओमनिया प्रिसुमुंटर रिट एसे है, ऑल इज वेल है, एवरीथिंग इज बीइंग डन प्रॉपरली इन द कंपनी. इंटरनल प्रोसीडिंग से उसको कोई मतलब नहीं है, अगर कोई गड़बड़ी है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइडर को बताना जब भी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने वाले हैं. सो इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी की है एशबरी की, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 का केस लॉ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड देन हमने दो डॉक्ट्रीन किए हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि नेगेटिव डॉक्ट्रीन है एज इट डज नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर. एंड देन हमने डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किया है विच इज ऑल्सो नोन एज ए पॉजिटिव डॉक्ट्रीन एज इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर, आउटसाइडर्स के हित में काम करता है और पहले वाला उनके हित में काम नहीं करता है. तो जो ये वीडियो थी दैट इज़ बेस्ट फॉर माई नॉलेज. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.